राम राम जी, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे चैनल निर्वाल फैमिली ब्लॉग में। आइए आज हम अपना आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। आज सुबह से बारिश तो नहीं हो रही है, तो आज तो मौसम हो रहा है बहुत अच्छा। धूप भी निकली हुई है और देखिए पेड़ पौधों में कितने अच्छे अच्छे फूल खिले हुए हैं। कल भी जैसे सुबह तो अच्छा मौसम था, हल्की हल्की धूप से भी खिल गई थी, लेकिन दोपहर आते आते बादल छा गए और काफ़ी तेज़ बारिश हुई है दोपहर भी। कल तो पूरा दिन ऐसा रहा कि कभी बारिश आ रही है, कभी बंद हो रही है, कभी हल्की हल्की धूप खिल रही है, तो कल तो पूरा दिन ऐसे ही मौसम रहा। लेकिन आज मौसम में थोड़ा सुधार है, आज तो सुबह से कोई बारिश नहीं आई है, तो अच्छे सूरज देवता निकले हुए हैं, धूप आई हुई है। तो देखिए आज पूरा दिन कैसा मौसम रहता है, बारिश आएगी या नहीं। आज बच्चे तो चले गए हैं अपने स्कूल, कल तो उनकी छुट्टी थी, लेकिन आज तो अपने स्कूल चले गए हैं दोपहर तक के लिए। देखिए जी, काफ़ी हरियाली हो गई, सावन में बारिश हो रही है खूब, तो हर तरफ हरियाली हरियाली हो रही है, ग्रीनरी ग्रीनरी हो रही है खूब, पेड़ पौधे काफ़ी अच्छे हो रहे। यदि बारिश ना आए तो लोग ऐसे हाहाकार करते हैं कि बारिश आ जानी चाहिए, गर्मी बहुत हो रही है, और वाकई में बहुत गर्मी हो रही थी, तो सभी लोग चाह रहे थे कि बारिश आ जाए, कि गर्मी से राहत मिल जाए। लेकिन अब बारिश आनी शुरू हुई है तो भगवान जी इतने प्रसन्न हो रहे हैं, इतनी बारिश कर रहे हैं कि अब सब लोग कह रहे हैं किसी टाइम तो रुक जाए बारिश, खुल जाए, क्योंकि घर के जो काम होते जैसे कपड़े वगैरह धोने, ये भी नहीं धुल पाते, दो तो सूख नहीं पाते, क्योंकि उनके लिए हल्की धूप तो चाहिए ही, क्योंकि वरना जो है बिना धूप के कपड़े इतने अच्छे से नहीं सूख पाते, उसमें थोड़ी सीलन सी रह जाती है चाहे कितने ही उन्हें सुखा लो। तो इसीलिए मतलब भगवान जी भी जो है उस बारिश आए तो परेशानी और ना आए तो परेशानी, लोग हर तरह से परेशान है। लेकिन वैसे अगर बारिश आ रही है तो ये अच्छे है, खेतों में भी अच्छा पानी हो रहा है धान वगैरह के लिए, तो बारिश तो वैसे फ़ायदेमंद ही है। लेकिन जब जो ज़रूरत से ज़्यादा हो रही है तो थोड़ी लोगों के सामने परेशानी आ रही है, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए कितने अच्छे फूल खिले हुए हैं, कितना सुंदर लग रहा है, ये पेड़ पूरा इन फूलों से भरा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए अमरूद का पेड़, इस पर अमरूद लग रहे हैं। ये देखिए, ये हैं तो अभी छोटे, अभी कच्चे हैं, लेकिन इस पूरे पेड़ पे काफ़ी अमरूद लगे हुए हैं, अमरूद से लदा हुआ है पेड़। अब हो गया है शाम का समय और मैं जा रही हूँ सब्जी खरीदने के लिए, देखते हैं क्या सब्जी लेके आऊँगी और क्या बनाएंगे शाम। तोल दे आधे किलो। देखिए जी, अब ले लिए हमने सब्जी, अब चलते हैं अपने घर। घर में सब्जी में लेके आई हूँ भिंडी, ये रही भिंडी, भिंडी लेके आए हैं बनाने के लिए। अब जाते हैं दूध लेने के लिए, क्योंकि आज चिंटू तो गया हुआ है ट्यूशन, तो वो तो अभी आया नहीं है कि अगर वो ले आता, इसलिए मैं खुद जाऊंगी आज दूध लेने के लिए। ये उठा ले डोली, चलती हूँ दूध लेने के लिए। ये चल दिए हम वापस दूध लेके। वापस कर दूध लेकर,
शाम का समय हो गया है, अब शाम में झाड़ू लगाऊंगी, सफाई करूंगी, और जो ये फैला रखा है बच्चों ने कमरे में सामान, ये सारा सामान उठाऊंगी और फिर शाम में करूंगी खाना बनाने की तैयारी। इसका भी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है, जो इसकी रॉक क्लाइंबिंग कैपेबिलिटी को लिमिट कर देता है। और एक महीने के वीट के बाद जब मैंने फोर्ड ब्रांको के अपने पास किसी किए तो मैंने सोचा क्यों ना इनसे चिपके कर देते हैं। देखिए जी, अब कर रही है दूध उबालने की तैयारी। ये रख दिया दूध उबलने के लिए। अब बनाएंगे हम राजमा, तो राजमा उबालने के लिए रख देते हैं, ये दोपहर में भिगो के रख दिए थे, तो अभी उनको हम उबाल लेंगे। उबाल के फिर करेंगे राजमा की सब्जी बनाने की तैयारी। देखिए जी, चिंटू आ गया है ट्यूशन से, अब इसका लग गई है भूख, अभी देखते हैं क्या खाएगा। ये कह रहा है कि मुझे अब कुछ खाने के लिए दे दो, तो अब देखिए उसको बना कर देती हूँ शाम का नाश्ता। चिंटू क्या खाना है बेटा, बताओ क्या खाओगे? कुछ भी ला, कुछ भी बना दूँ, दूध ला दूँ साथ में, ब्रेड ला देती हूँ, है दूध और ब्रेड है, फिर और क्या, मैगी खाएगा, मोमोज खाने हैं फिर क्या खाएगा बता, कुछ भी बना लूँ। चलो मैं देखती हूँ क्या बना के देती हूँ चिंटू को, क्योंकि इसे 2-2.5 घंटे हो गए, दोपहर 3 बजे का गया हुआ था और अब आया 5:30 बजे, तो इसको भूख लगने लगी। ठीक है बेटा, बना के देखते हैं तुझे कुछ। देखिए जी, चिंटू ने फरमाइश की है कि मैं उसको सैंडविच बना के दूँ, तो मैंने ले लिए ब्रेड और अब करती हूँ इसके सैंडविच की तैयारी बनाने की। ये कटिया बारीक बारीक प्याज छिलने के बाद हम बारीक बारीक प्याज काटेंगे इसके लिए सैंडविच के लिए। ठीक है, अब इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉस, डालूंगा अब इसको कर लेंगे मिक्स अच्छे से, बस गरम मसाला, अब इसको मिक्स कर दूंगी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी इसमें हरा धनिया भी डाल सकते हैं थोड़ा सा काट के। ये हमने लगा दिए इसमें क्रीम, इसको लगा देंगे ये वाला मिक्सचर जो हमने बैटर बनाया, हम इसको कर देंगे बंद, इससे स्टॉप। लगा देंगे थोड़ी थोड़ी मलाई क्रीम, अब थोड़ी थोड़ी क्रीम इसके
जी किचन में काम करते करते गर्मी का से हो गया बुरा हाल, पसीने आने लगे हैं। और वैसे चाहे रोज़ाना बारिश आ रही थी और वैसे तो मौसम में हो गया ठंडा, लेकिन किचन में जब काम करते हैं जब तो उतनी ही गर्मी लगती है, तो पसीने से बुरा हाल हो रहा है। लेकिन क्या करें, काम तो करना पड़ता है। ये देखिए जी टोस्टर में ये टोस्ट हो गए हैं रेडी, अब हम इनको निकालेंगे। ये देखिए ये टोस्ट हो गए बिल्कुल रेडी, चिंटू की फरमाइश पर इसको कर देंगे हम बंद। देखिए जी ये टोस्ट बन के हो गए रेडी, अब इनकी कर दूंगी मैं कटिंग। ये हो गए हैं तैयार, देखिए चले चिंटू खा ले बेटा, खा लो उसके साथ खाओ और मुझे बताना कैसे बन रहे हैं। ये चिंटू अब खा रहा है, चिंटू बताया कैसा लग रहा है चिंटू, हैं मेरी तरफ देख के बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा है। अच्छा लग रहा है, सही टेस्ट आ रहा है। चलो ठीक है खा लो, तो ठीक है मैं कहाँ कहाँ जाएगा, नीचे नीचे खेला, जल्दी आना बेटा है। देखिए जी चिंटू तो अब गया नीचे खेलने के लिए, अब वो आधा एक घंटा तो जरूर खेल के आएगा, वो रोजाना ही शाम के टाइम तो जाता है नीचे खेलने के लिए, और बच्चों के लिए खेलना भी जरूरी है, तो इसलिए मैं उसको भेज देती हूँ थोड़ी देर के लिए, तो वो गया खेलने के लिए। चलिए जी आज का व्लॉग हम करते हैं यहीं एंड। यदि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। तो लेते हैं आपसे विदा, कल मिलते हैं फिर एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।